लोगों को निशुल्क अनाज घर बैठे दे रहे हैं, कोई खरीदने की जरूरत नहीं गरीब को। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक साल से निशुल्क अनाज उपलब्ध करा रहे हैं 88% जनसंख्या को, परिवार को, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। और किसान अनाज पैदा कर रहा, सब्जियां दूध पैदा कर रहा, तो लोगों को खिला लेकिन साहूकार का कर्ज भी तो किसान को चुकाना है। कमल पटेल जी, और जो पैसा मिलेगा उसी से वो आगे के लिए खेती भी करेगा, जो फसल बेचेगा उससे पैसा मिलेगा उसी से वो खेती करेगा, इसी रोटेशन में किसान काम करता है, मानते हैं ना आप ये बात? तो टोकन वाली जो व्यवस्था हुई थी, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, मैं आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, सरकार के काम पर भी मैं बात करती रहती हूँ और हम लोग वो रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। लेकिन टोकन की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर ना होना, क्या किसानों की जान की परवाह नहीं है क्या? पिछले 6 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, उस पर तो कोई बात अब तक बनी नहीं, वो एक अलग ही मुद्दा चल रहा है। इन तमाम मुद्दों के बीच कैसे आप कह रहे हैं कि किसानों को हमने बहुत राहत दी और उनकी एकदम स्थिति हमने ठीक कर दी है मध्य प्रदेश में? किए जब तो कह रहे हैं, ये बताइए 18-19 का एक रुपया बीमा नहीं मिला, हमने 9,000 करोड़ बीमा दिया। सुनिए, आरबीसी 6-4 में राहत दी, फसल खराब होने के बाद में हमने बीमा किया, हमने किसान को किसान सम्मान निधि दी, हमने किसान को 10,000 प्रति परिवार किसान कल्याण निधि और सम्मान निधि दी, हमने किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिलाने में सफलता प्राप्त की, और अभी 1,28,00,000 मेट्रिक टन हमने गेहूं खरीदा, और बाकी चीजें भी हम घर बैठे किसान को सुविधा दे रहे हैं। मंडी बंद है तो घर से खरीदवा रहे हैं, किसान के खातों में पैसा डाल रहे हैं, और इसलिए किसान बैंक जा रहा है और बैंक में टोकन इसलिए दे रहे हैं ताकि भीड़ ना लगे, एक एक करके आए और ले जाए, और किसानों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन भीड़ तो वहीं पे हो रही है कमल पटेल जी, चलिए ठीक है आप नहीं मानेंगे, लेकिन भीड़ वहीं पे हो रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई थी, हमारे रिपोर्टर वहां पर थे, बैंक से हमने बात करने की कोशिश की, बैंक से कोई बाहर नहीं निकला, उनका कहना है कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है तो हम कहां से दें, इस तरीके की तमाम बातें आपके बैंक से कही जा रही है। चलिए, अब आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ हमने खरीदारी की है, ये प्रोसेस जरा समझना चाहूंगी कि एक तो लॉकडाउन था, बैंक में खाते में पैसा डाला है हमने, पैसा निकल रहा है, किसानों को मिल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि बैंक में भीड़ लग रही है, इसलिए उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखकर टोकन देकर उनको राशि दी जा रही है। मैं किसान भाइयों से भी अपील कर रहा हूँ कि अपनी सुरक्षा रखें, मास्क लगाएं, थोड़ी दूरी रखें, और सबको राहत मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने किसानों को, सुनिए बहन जी, हमने किसानों को 31 मार्च को ब्याज सहित पैसा देना था, आखिरी तारीख थी, लेकिन खरीदी चूंकि मार्च अप्रैल में शुरू हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने सुझाव दिया और उन्होंने 30 अप्रैल तारीख की ब्याज बिना ब्याज के ऋण जमा करने की, फिर 30 मई की, अभी हमने 30 जून कर दी है, 3 महीने का जो ब्याज लगेगा किसान को नहीं देना है, सरकार भरेगी, भाजपा की सरकार, और किसानों की ओर से भरेगी और किसानों को राहत देगी, यह है भाजपा की सरकार। ठीक है, आपने आपने कमल पटेल जी माफ करने का किया नहीं, कमल पटेल जी आपने कहा कि हमने रिकॉर्ड तोड़ हमने खरीदारी की है, लॉकडाउन भी था, चुनौतियां बहुत ज्यादा थी आप लोगों के सामने भी, अब मैं समझना चाहूंगी कि क्या प्रोसेस था खरीदारी को लेकर और कितनी बड़ी चुनौती रही, कैसे ये आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ हमने खरीदारी की है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया लॉकडाउन में? इसलिए पॉसिबल हो पाया कि हमने 4,661 खरीदी केंद्र किए, यानी विकेंद्रीकरण किया, गांव गांव में हमने किसानों के गेहूं खरीदने के लिए सोसाइटियों को, एफपीओस को, महिलाओं के स्व सहायता समूह को हमने खरीदारी का दिया, जितने भी वेयर हाउस हैं उन पे हमने खरीदी की एक सेंटर बनाए, और उसके कारण विकेंद्रीकरण होने से एसएमएस के माध्यम से हमने खरीदी की। और एक और बताना चाहता हूँ कि हमने पहले 1 हेक्टर के किसान को बुलाया, छोटे से छोटा किसान, फिर 2 हेक्टर वाले किसान को बुलाया, फिर 3, 4, 5 और आखिरी में बड़े किसानों को बुलाया, ताकि छोटा किसान को पहले खरीदी हो, उसको पैसा मिले जिसको पहले आवश्यकता है। ये पहली बार हुआ है पिछले साल और इस बार, और उसके कारण हमने ज्यादा से ज्यादा 1,28,00,000 में 1,29,00,000 पिछली बार खरीदा, 1,28,00,000 इस बार खरीदा, और किसान को मंडी बंद होने के कारण किसान के घर से भी खरीदा, किसान के खलिहान से भी खरीदा,
सौदा पर्ची के माध्यम से उसको रेट दिलाए और उसके कारण ये सफल हो सका है। एक तरफ तो ये चुनौती थी, दूसरी तरफ हमको कोरोना की चुनौती थी। हमने किल कोरोना अभियान चलाया, त्रिस्तरीय व्यवस्था की, हमने जिला स्तर पर सांसद के नेतृत्व में, विधान ब्लॉक स्तर पर विधायक के नेतृत्व में और ग्राम पंचायत और गांव के स्तर पर सरपंच और पंच के नेतृत्व में हमने किल कोरोना अभियान चलाया। घर घर हमने टीम भेजी, खांसी सर्दी जुकाम बुखार है तो तत्काल उसको गोलियां दवाई किट दी और उसके कारण जागरूकता आई और लोगों को हमने गले में ही कोरोना को ठीक करवा दिया, लंग्स में नहीं जाने दिया, इसलिए इसमें भी नियंत्रण करने में हमने सफलता प्राप्त की। तो एक तरफ कोरोना पे भी नियंत्रण किया और दूसरी ओर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया, उनकी फसलें गांव से ही खरीदी की गई और उनके खातों में पैसा भी डलवाया, उनका ब्याज भी माफ करके हमने भरा और इस प्रकार किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिलाने में और सब काम करने में सफलता प्राप्त की है। कहीं अपवाद स्वरूप एक दो जगह कहीं घटना हुई हो वो भी बताओ, हमारे किसान को अगर एक भी किसान को किसी ने अधिकारी ने डंडा मारा होगा हम उसके अधिकारी को उल्टा लटका देंगे। चलिए हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा देंगे बहुत जल्द। अब सोयाबीन की बीज को लेकर सवाल है, शाजापुर में दो दिन से बिल्कुल बिल्कुल वो हम भेजेंगे, यहाँ से उठने के बाद मैं यही काम करूंगी, आप तक वो इन्फॉर्मेशन वो तस्वीरें सब कुछ भेजवाऊंगी मैं। अब सोयाबीन की बीज को लेकर मेरा सवाल है, शाजापुर में दो दिनों से किसानों का हंगामा चल रहा है, सोयाबीन की बीज की कमी है, इसको लेकर क्या आप कहेंगे, क्यों ये दिक्कत हो गई? बिल्कुल सही कहा आपने, निश्चित रूप से सोयाबीन की बीज की कमी है। वो बीज की कमी इसलिए है कि पिछले बार सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, अच्छी खासी फसल आई थी, एकदम कीट लगा और इसलिए हमने किसानों को राहत देने के लिए बीमा की तारीख बढ़ाई, हमने सर्वे कराया, आपदाग्रस्त घोषित किया, आरबीसी 6-4 में किसान को राहत दी और इस बार 9,000 करोड़ बीमा मिलेगा, फसल ही नहीं हुई और इसलिए बीज जो उत्पादक संस्थाएं थी, जो बीज उत्पादन होता था सर्टिफाइड, उस पर भी विपरीत असर पड़ा। लेकिन हमने एक निर्णय लिया है कि मैंने प्रदेश के बाहर जो बीज कंपनियां बीज बेचती है महाराष्ट्र कर्नाटक वहां, उस पर रोक लगाई है, पहले हमारे प्रदेश के किसानों को बीज मिले बाद में जाए, और इसलिए हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। हमने मंडी के एमडी को निर्देश दे दिए हैं कि सारे स्टॉक चेक करें, कितने गोडाउन में बीज है, बाहर ना जाए, नाके जो चौकियां हमारी बंद हो गई थी वो वापस हमने चालू करने के कल ही निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश का बीज मध्य प्रदेश के किसानों को प्राथमिकता में पहले मिले फिर प्रदेश के बाहर जाए, ये व्यवस्था हमने की है ताकि हम किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध करा सके ताकि उत्पादन अच्छा हो। जी, फसल ऋण वसूली को लेकर अब मेरा सवाल है, जो कि आप लोगों ने तारीख 30 जून तक कर दी है, राहत दी है आप लोगों ने, इस व्यवस्था को जरा मैं समझना चाहूंगी, लोन ओन को लेकर इस वक्त किसानों के लिए क्या व्यवस्था है प्रदेश में, क्या उसमें कुछ राहत दे रहे हैं आप लोग? देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो 18% ब्याज पर ऋण मिलता था, अगर किसी कारण फसल खराब हो गई, किसान ऋण नहीं दे पाया तो उस पर ब्याज और दंड ब्याज लगता था, उनकी जमीनें नीलाम हो जाती थी, कई किसानों की जमीनें नीलाम करा दी कांग्रेस की सरकारों ने। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई हमने 18% से 9% किया, 9 से 4 किया, 4 से 2, 2 से 1, 0 और 0% ब्याज पे हम ऋण दे रहे हैं अल्पकालीन किसान को, खाद बीज दवाई के लिए शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार। अब सुनिए, किसान चूंकि पिछली बार सोयाबीन की फसल खराब हुई, हमने किसान को मुआवजा भी दिया, बीमा भी दिलवा रहे हैं और सम्मान निधि और कल्याण निधि भी दे रहे हैं और 86% किसानों को मिल रही, 75 लाख किसानों को। अब कांग्रेस के नेता कहते हैं 10,000 रुपट्टी में क्या होता है, हम मैं कहना चाहता हूं कि 10,000 रुपट्टी बड़े किसान जो 14% है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो 86% किसान जो छोटा है, जो वनवासी है, जो अनुसूचित जाति का, जो पिछड़ा है, सामान्य है, उसके 4-4, 5-5 बेटे हैं, वो 1-1 एकड़ पर 10-10 हजार मिल रहे हैं, उतने की फसल नहीं होती, उससे ज्यादा उसके खाते में पैसा जमा हो रहा है और इसलिए अब खेती घाटे का नहीं लाभ का धंधा बनेगी और छोटा किसान के लिए 10,000 10 लाख के बराबर है और इसलिए वो मोदी जी को भगवान मानते हैं, दुआएं देते हैं। और कितने किसान है, 75 लाख किसान है जिनको ये 10-10 हजार रुपए साल के मिल रहे हैं, 6,000 भारत सरकार और 4,000 मध्य प्रदेश सरकार। अब सुनिए, हमने ब्याज 0% पे किया लेकिन 31 मार्च आखिरी तारीख थी, क्योंकि खरीदी फसल ही रबी की खरीफ की खराब हो गई थी इसलिए किसान जमा नहीं कर पाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात रखी, उन्होंने 30 अप्रैल किया, फिर 30 अप्रैल तक जिन किसानों का माल बिक गया, उनका जमा हो गया, उनका ब्याज 1 महीने का सरकार ने भरा और उनसे 1 लाख ब्याज ऋण था तो 1 लाख जमा कराया 0% पर। सगा भाई भी अलग होने के बाद बगैर ब्याज के पैसा नहीं देता, महाजनी ब्याज तो लेता है, लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुख्यमंत्री देश के किसान के सगे भाई से ज्यादा हैं
जो किसान को बगैर ब्याज के ऋण देता है, दुनिया में कोई बगैर ब्याज का ऋण नहीं देता, मध्य प्रदेश सरकार देती है। दूसरा, ब्याज भी माफ करती है। फिर मई किया हमने 30 मई, उसमें जितना किसान का ब्याज लगा वो सरकार भरेगी, और अब 30 जून कर दिया है ताकि खरीदी भी बंद हो गई, 30 जून तक किसान के बैंक में खाते में पैसा आ जाएगा, वो पैसा कट जाएगा, लेकिन जितना ऋण लिया उतना ही जमा करना है, एक रुपया भी ज्यादा नहीं करना है, वो ब्याज जो लगेगा अतिरिक्त वो सरकार भरेगी। ये है किसानों की सरकार। जी कमल पटेल जी, बहुत कम समय है, इसलिए बहुत छोटे छोटे संक्षेप में आपसे उत्तर मैं लेना चाहूंगी। बहुत कम समय है, 2-3 मिनट का बस अब मेरे पास वक्त है। उपचुनाव में आप लोग हार गए, कहा गया कि जमीन पर बहुत कनेक्शन नहीं रहा आप लोगों का, और किसानों की नाराजगी भी एक वजह रही जिसकी वजह से प्रदेश में सरकार होने के बावजूद उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अभी तक मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 29 उपचुनाव हुए, उसमें से हम 18 जीते हैं। ये जो दमोह का उपचुनाव है एक ही अपवाद है। इसके पहले सत्ता परिवर्तन हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक मंत्री भाजपा में आए, सरकार बनी और प्रचंड बहुमत से जीते, 50-50 हजार से। लेकिन ये एक उपचुनाव अपवाद स्वरूप है, इसके लिए पार्टी चिंता करेगी, और इससे एक चुनाव हारने से ये नहीं माना जा सकता कि आप चुनाव हार गए, उसमें उम्मीदवार ठीक है, लेकिन कहीं कमी रही, कनेक्शन कम रहा जनता से, किसानों के साथ उसका खामियाजा भुगता गया। अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि हम इसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं। अब मैं आपसे, ये मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश अव्वल है किसानों के मामले में, उनके लोन को लेकर, ब्याज को लेकर, खरीदारी को लेकर, अवार्ड भी आप लोग इसमें पाते हैं। आप News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से किसानों को क्या इस वक्त संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना के संकट में जब पूरे प्रदेश और दुनिया ठप थी तो किसान ने मेहनत करके अनाज पैदा किया, सरकार उनके साथ खड़ी है। अभी हम किसानों को फसल बीमा की कल बैठक की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने समीक्षा की है, अभी 1,02,00,000 किसान में से 44,00,000 किसानों का ही बीमा कराने में हम सफल हुए, वो भी 25,00,000 का हुआ था, हमने अतिरिक्त समय देकर किया। हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, कि 100% किसानों का बीमा हो, और ताकि छोटे किसान जो डिफाल्टर किसान है, जो वनवासी किसान है, हमने वन ग्राम का कभी बीमा नहीं हुआ हिंदुस्तान में, ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हमने वन ग्राम को राजस्व ग्राम से जोड़ के उनका भी बीमा कराया, सोयाबीन का फसल खराब होने के बाद उनको भी 9,000 करोड़ मिलेंगे, और इसलिए 100% किसान का बीमा हो जाए ताकि उसको सुरक्षा कवच मिल जाए, और जो किसान फसल खराब होने से कर्ज में आता, आत्महत्या करता, हम चाहते हैं एक भी किसान आत्महत्या ना करे, और उसकी खेती घाटे का धंधा ना हो, लाभ का धंधा बने, और अगर प्राकृतिक आपदा आती है और फसल खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी आरबीसी 6-4 और फसल बीमा मिलाकर हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि जितना किसान का क्षति हो उसकी पूर्ति हम बीमा कंपनी से करा दें। अभी जो बीमा होता है वो बड़े किसानों का होता है, वो रेगुलर किसान का होता है, जो किसान डिफाल्टर है, कर्ज में है, आत्महत्या करता है, उसका नहीं होता है। हम अब उनका भी बीमा करने की योजना बना रहे हैं, आप लोगों के काम की वजह से ही आप लोग इस वक्त प्रदेश में हैं। हालांकि किसानों की जमीनी हकीकत उठाने की हमने कोशिश की, और अच्छा लगा मुझे कि आपने तमाम सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका अपना समय निकालने के लिए और News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, आप बने रहिए News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।